बताओ कौन है इसको पहचाना बाबा जी? अमरनाथ है, अमरनाथ। ये पहचान लिया आप कौन है ये बेटा? जिसे मरा हुआ समझकर सालों पहले क्रिया कर्म कर दिया हो और वो अचानक जिंदा मिल जाए तो कितनी खुशी होती है, आप इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। ये खबर एक फिल्मी कहानी जैसी जरूर है मगर सच है। दरअसल हरियाणा क्राइम ब्रांच ने 28 साल पहले लापता हुए एक बुजुर्ग को अपने परिवार से मिला दिया है जो अब 60 साल के हो चुके हैं। बुजुर्ग का नाम रोहित है जो यूपी में होमगार्ड के पद पर तैनात था, पर सालों पहले अचानक बुजुर्ग रोहित लापता हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने काफी ढूंढने की कोशिश की मगर जब कई सालों तक कोई अता पता न लगा तो परिजनों ने रोहित को मरा हुआ समझकर क्रियाकर्म कर दिया। बाद मिले हैं, बहुत खुशी हुई है। इनका क्रियाकर्म तक हम लोग कर चुके हैं, अपने हिसाब से ये मर चुके थे मगर क्राइम ब्रांच राजेश के द्वारा वीडियो कॉलिंग से बात हुआ तो पहचाने हम, उन्हीं के जरिए हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। कितने सालों बाद मिले अपने पिता से? 28-30 साल बाद। क्राइम ब्रांच की टीम की कोशिश से रोहित 28 साल बाद अपने बेटे और परिवार से मिला, जिसके बाद से परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है और परिवार के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस कहानी के पीछे असली हीरो हरियाणा पुलिस स्टेट क्राइम ब्रांच की पंचकुला टीम में तैनात एएसआई राजेश कुमार हैं, जिन्होंने मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुमशुदा मंदबुद्धि रोहित को उनके परिवार से मिला दिया। कि ये बुजुर्ग हैं, बहुत दिनों से हमारे को शाहबाद मिले थे अप्रैल के महीने में, तो आप इनका परिवार तलाश करें। तो मैंने इससे काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग मैंने अपना नाम रोहित और पापा का नाम बताया और एक विजुअल कर रहा था, तो मैंने उसके आधार पर इसको सर्च करना स्टार्ट किया। तो मैंने 8-7 दिन में इसका परिवार तलाश कर लिया और इसके जो बिजवल गांव से पता लगा कि भाई ये जो इसका परिवार है ये यहाँ से 20-25 साल पहले छोड़कर प्रयागराज में चला गया भाटा गांव में, तो वहाँ से संपर्क किया, वहाँ फ़ोटो भेजा, उन्होंने पहचाना और बताया कि भाई जो इसके बेटा है अमरनाथ वो मारुति कंपनी में काम करता है और गुड़गांव में रहता है। तो फिर मैंने उससे संपर्क किया, वीडियो कॉलिंग कराई, उन्होंने पहचाना, उसने बताया कि जी मेरा पापा है जो होमगार्ड में यूपी में काम करता था और ये कम से कम 28-30 साल पहले से गुम हो चुका है, हमने बहुत तलाश किया, हम तो क्रियाक्रम भी कर चुके हैं पर हमारा पिता का नहीं पता, ये बताइए कहाँ पर। मतलब जी आपका पिताजी बिल्कुल सुरक्षित है और नी आश्रय दा आसरा मगरपुर ये हरियाणा में है, आप आओ और वहाँ पे अपने पिताजी। बता दें एएसआई राजेश कुमार ऐसे संस्थानों और संगठनों से जुड़े रहते हैं जहाँ लापता लोग रहते हैं और इन लोगों की काउंसलिंग कर वो उनके परिवार को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से मगरपुर में नी आश्रित आसरा में बुजुर्ग रोहित रहते थे, इस दौरान उनकी जब काउंसलिंग की गई तो कड़ी दर कड़ी जुड़ती चली गई और आखिर में परिवार भी मिल गया। बहरहाल बुजुर्ग रोहित अपने बेटे अमरनाथ के साथ घर चले गए हैं। अपने पिता को दोबारा पाकर अमरनाथ ने क्राइम ब्रांच का खूब आभार जताया है। यमुनानगर से सुमित ओबेरॉय, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।